हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा प्लानेट में। तो सभी प्यारे साथी, कैसे, उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे और सभी की अच्छी तैयारी चल रही होगी। तो आज आपको पता है जिस प्रकार से हमारा EMRS का जो PYQ चल रहा है उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। आज आपका पार्ट सेकंड रहने वाला है, पार्ट फर्स्ट हमने ऑलरेडी पहले ही बना दिया है और आपने देख भी लिया होगा ऐसी मुझे उम्मीद है, और आज हम पार्ट सेकंड देखने वाले हैं। तो आपका EMRS का पूरा पेपर हम सॉल्व करेंगे और अच्छे से देखने वाले हैं। सभी प्यारे साथी अच्छे से इसको देखिएगा। तो चलिए, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपकी स्क्रीन पर है, सभी साथी इसका आंसर दीजिएगा। मसीत खानी गत के सही बोल चुनिएगा। देखिए, मसीत खानी गत और रजा खानी गत में आप कन्फ्यूज होते हैं, बस आपको एक छोटा सा दिमाग लगाना है। वो क्या लगाना है? मसीत खानी गत में अगर आपने मसीत खानी गत के बोल याद कर लिए तो फिर आपको रजा खानी गत के बोल याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मसीत खानी गत के बोल हैं वो निश्चित होते हैं और रजा खानी गत के बोल निश्चित नहीं होते हैं, वो बदलते रहते हैं। तो आपको जो निश्चित चीज है उसको याद कर लेंगे तो अनिश्चित चीज आपको ऑटोमेटिक स्वतः याद हो जाएगी। तो इसमें हम आपका चीजों को लेकर चले, थोड़ा सा समझें। तो देखिए, मसीत खानी गत क्या है आपका? इसके बोल निश्चित होते हैं, ठीक है, बोल निश्चित है। मसीत खानी गत के बोल क्या है? निश्चित है। अगर मसीत खानी गत के बोलों की बात करें, देर दा रा दा दा रा, ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। अब यहां से देखिए, देर दा रा दा देर दा, ये नहीं है, इसमें आपको ध्यान रखना है। आपका बोल रहने वाला है देर दा रा दा दा रा। अगर रजा खानी गत की बात करेंगे, रजा खानी, तो रजा खानी गत के बोल कैसे होते? अनिश्चित। इसके बोल अनिश्चित होते हैं, अनिश्चित बोल होने के कारण इसके बोल बदलते रहते हैं। कभी आपको इस प्रकार से मिलेगा, दिर दा दा रा दा दा रा, इस प्रकार से, या फिर आपको दा दा दिर दिर, इस प्रकार से मिलेगा। बट आपको जो मसीद खानी कहते हैं इसके बोल निश्चित होते हैं, तो आप मसीद खानी कहते को याद कर लीजिएगा और रजा खानी कहते आपको स्वतः याद हो जाएगी, ठीक है। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला आपका मसीद खानी कहते के बोल, इसका ऑप्शन रहने वाला है ए, राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राग उत्तरांगवादी राग है? अब आप यहां पर आंसर दीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपको उत्तरांगवादी और पूर्वांगवादी में। पहले आपको थोड़ा सा मैं बताती हूँ, चलो सब तक आपका रहने वाला है सा रे ग म प ध नी और सा, ठीक है। यहां पर आप दो, इसको दो हिस्सों में बांट लेंगे, ये आपका हो जाएगा पूर्वांग, ठीक है, ये हो जाएगा आपको उत्तरांग। अब इसका मतलब क्या होता है? जिन रागों का वादी स्वर पूर्वांग से है वो आपके पूर्वांगवादी राग कहलाएंगे, ठीक है। वादी स्वर अगर आपका पूर्वांग से है तो आपके पूर्वांगवादी राग कहलाएंगे, पूर्वांगवादी, ठीक है। अगर वादी स्वर उत्तरांग से है, वादी स्वर उत्तरांग से है तो आपका उत्तरांगवादी राग कहलाएंगे, ठीक है, उत्तरांगवादी राग। ध्यान रखना क्या क्या लगा आपका? उत्तरांगवादी राग। तो पूर्वांगवादी उत्तरांगवादी, बस इतना सा आपको याद रखना है। अब यहां से आप देखेंगे, अपना वादी संवादी, ठीक है। तो आपका जो शुद्ध कल्याण है इसका क्या रहने वाला है? तो इसका वादी संवादी है गाधा, ठीक है। सोनी का क्या रहने वाला है? सभी प्यारे साथ आंसर दीजिएगा। सोनी का रहने वाला है आपका धागा, ठीक है। मालकोंस का क्या रहने वाला है? मासा। और पूरिया का क्या रहने वाला है? सभी कमेंट करना, गानी, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका यहां पर रहने वाला है। अब आप देखेंगे, स्वतः आप अनुमान लगाएंगे कि उत्तरांगवादी राग आपसे पूछा गया है। तो उत्तरांगवादी आपका, देखिए, धा आपका किसका किसमें है? तो धैवत आपका सोनी में है, सोनी इसका राइट आंसर रहेगा, धागा वादी संवादी। बाकी आपका देखिए ग म ग, तो ग म ग आपका किसमें रहने वाला है? पूर्वांग में, क्लियर। अब यहां से एक अपवाद स्वरूप चीजें निकल के आती है, यहां से आप मालकोंस में कंफ्यूज होंगे और मालकोंस में फंसेंगे। तो मालकोंस में फंसने के लिए आपको देखना है, पहले आपको देखिए ये आपको कॉन्सेप्ट लगाना है। अगर आपको यहां पर सोनी की सोनी ना होकर के आपका बहार होता है, जैसे कि आपका बिहाग, हम मान लीजिए बिहाग, ठीक है। अगर आपका बिहाग होता तो बिहाग का बाद संवादि क्या होता है? आपका गानी। तो फिर आपका इसमें से एक भी आपको नहीं दिखाई देता, फिर आपको लगाना होता मालकोंस, क्योंकि मालकोंस आपका अपवाद स्वरूप
मासा आपका उत्तरांग में आ जाता है जब जब आपका कोई इस प्रकार से नहीं रहता। तो अगर सोनी की जगह पर आपका इस प्रकार से भ्याग या कोई और रहता तो आप फिर मालकोंस लगाते। ये आपको ध्यान रखना है, ऐसा क्वेश्चन अगर आपसे कभी बने तो आप इसको अच्छे से अटेम्प्ट करना। क्लियर। चलिएगा नेक्स्ट, आवृत्ति किस से संबंधित है, आज हमारा थर्ड क्वेश्चन रहने वाला है। आवृत्ति किस से संबंधित है, परिमाण से, ध्वनि गुण से, आवाज का ऊंचा उतार या चढ़ाव या गूंज। देखिए आवृत्ति और आंदोलन आपको पता ही है, आवृत्ति ठीक है या फिर आप आंदोलन भी कहेंगे, तो इसका मतलब क्या होता है, आवृत्ति या आंदोलन का मतलब होता है आपका आवाज का उतार और चढ़ाव। ठीक है, आवाज का उतार चढ़ाव, आवाज का उतार चढ़ाव आपका क्या कहलाता है, तो आवृत्ति कहलाता है। आपको पता है नाद के तीन गुण होते हैं, नाद के गुण की अगर अपन बात करेंगे तो नाद के तीन गुण होते हैं, तारता, तीव्रता और आपका जाति। तो जो आपका तारता होता है ये आवृत्ति या आंदोलन संख्या पर ही निर्भर करता है, इसका मतलब होता है आवाज का ऊंचा नीचापन। जो तीव्रता होता है आपका कंप विस्तार, क्या कंप विस्तार या फिर आपका आघात शक्ति, कंप विस्तार या आघात शक्ति पर निर्भर करता है। जो जाति और गुण होता है ये आपका सहायक नादों पर निर्भर करता है। ठीक है, सहायक नाद, तो यहाँ से ये आपके नाद की तीन विशेषता होती हैं और यही आपका यहाँ पर निकल के आएगा, आवाज का उतार चढ़ाव, आवाज का ऊंचा नीचापन। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट, कौन से राग के आरोह में पंचम वर्जित होता है, आपको बताना है किस राग के आरोह में पंचम वर्जित होता है। जौनपुरी, शुद्ध कल्याण, मधुबंती या मालगुंजी। सभी प्यारे साथी आंसर दीजिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को इसका आंसर देना है। देखिए आपको पता ही है आपका जौनपुरी है, जौनपुरी के आरोह में पंचम वर्जित होता है, किसमें, जौनपुरी में, सॉरी जौनपुरी में नहीं होता है आपका, यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, ये होता है आपका मालगुंजी। ठीक है, इसका क्या राइट आंसर रहने वाला है, मालगुंजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, भारतीय शास्त्रीय संगीत किस नाम से जाना जाता है, ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय शास्त्रीय संगीत किस नाम से जाना जाता है, जैज संगीत, रागदारी संगीत, पॉप संगीत या रॉक संगीत। तो देखिए भारतीय शास्त्रीय संगीत को आपका रागदारी संगीत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किस नाम से जानते हैं, तो आपका रागदारी संगीत के नाम से, ये आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। नेक्स्ट, द्रुत गति ध्रुपद में अधिकतर किस ताल का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट के साथ आपसे पूछा गया है, द्रुत गति ध्रुपद में, ध्रुपद के साथ आपका द्रुत गति लगा दिया है, चौताल, झपताल, सुलताल और तीव्रताल। अब आपको यहां पर आंसर देना है, कमेंट पहले आप कीजिएगा उसके बाद मैं आपको इस आंसर को बताऊंगा। थोड़ा सा आपसे ट्विस्ट के साथ क्वेश्चन पूछा गया है, ध्रुपद में अधिकतर किस ताल का प्रयोग किया जाता है द्रुत गति के साथ, तो द्रुत गति के साथ आपका क्या रहने वाला है, तो आपका सुलताल रहने वाला है। ये ध्यान रखना, चौताल आपने लगाया होगा लेकिन चौताल आपका नहीं रहेगा, इसी को आपका चारताल कहते हैं, द्रौपदी की सबसे महत्वपूर्ण ताल आपका चारताल, ये नहीं रहेगा, बस थोड़ा सा द्रुत गति आपका लगा दिया तो सुलताल रहेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका सुलताल रहने वाला है। तो सुलताल का आपको पता ही है 10 मात्रा होता है, ठीक है, 5 विभाग होता है, प्रत्येक विभाग में आपका 2-2 मात्रा होता है। तो किस प्रकार की ताल है आपकी, तो यह संपदी ताल है। अगर खाली की बात करते हैं तो 2 इसमें खाली होता है, 3 और 9 पे। ताली की बात करेंगे तो आपको पता है 2 खाली है तो 3 आपका ताली यहाँ पर रहता है, 3 मात्रा। क्लियर, आपको 4 ताल के बारे में पता ही होगा, 12 मात्रा होता है, 6 विभाग होता है। क्लियर, 2 आपका
खाली होता है, खाली होता है 3 और 7 और आपका 4 ताली होता है। जप ताल आपका 10 मात्रा का होता है, मैंने पिछली वाली क्लास में भी आपको अच्छे से बता रखा है, तिबरा भी मैंने आपको बता रखा है। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर रहने वाला है, क्लियर। नेक्स्ट, राग मारवा किस जाति का राग है? सभी प्यारे साथ हो जाएंगे, औड़ब औड़ब, साड़ब संपूर्ण, संपूर्ण संपूर्ण, साड़ब साड़ब। तो मारवा के बारे में आपको बताना है, ये मैंने आपको पिछली वाली क्लास में ही बताया था मारवा के बारे में, सभी इस प्यारे साथी बताएंगे मारवा आपका क्या रहने वाला है। मारवा थाट से है, ठीक है, आश्रय राग है, बादी संवादी, सभी साथी कमेंट करेंगे। रेध कोमल आपका बादी संवादी है, ठीक है। जाति की बात करेंगे, साड़ब साड़ब आपका जाति है, ठीक है। समय की बात करेंगे, दिन का अंतिम प्रहर, दिन का अंतिम प्रहर तो आपका क्या रहने वाला है, साड़ब साड़ब इसका जाति है। अब देखिए साड़ब साड़ब तो आपका 6-6 स्वर प्रयोग हो रहे हैं, तो आपका पंचम वर्जित रहेगा, ठीक है, पंचम वर्जित रहेगा, क्लियर। चलिए, किस ताल में 3 ताल के समान मात्राएं हैं? किस ताल में 3 ताल के समान मात्राएं हैं? झूमरा, तिलवाड़ा, पंचम सवारी, लक्ष्मी ताल। किस ताल में 3 ताल के समान मात्राएं हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका रहने वाला है, ठीक है। तो यहां से आपका ये रहने वाला है नेक्स्ट आपका, किस ताल में 3 ताल के समान मात्राएं हैं? देखिए 3 ताल में आपका कितना मात्रा होता है, 16 मात्रा होता है, 4 विभाग होता है, खाली आपका 1 होता है 9वीं मात्रा पर, ताली आपका 3 होता है, तो ये आपका यहाँ पर रहता है। अब देखिए झूमरा में आपका 14 मात्रा, तिलवाड़ा में 16 मात्रा, तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, तिलवाड़ा। पंचम सवारी में आपका 15 मात्रा, और कमेंट करके बताइएगा लक्ष्मी ताल में कितनी मात्रा होती है, ये आपको कमेंट करके बताना है, लक्ष्मी ताल में मात्राओं की संख्या कितनी रहती है, महत्वपूर्ण है आपका, सभी बताइएगा। क्वेश्चन आपका तालों से और रागों से पूछे जाते हैं सबसे अधिक, ठीक है। नेक्स्ट, राग मालकोंस किस थाट के अंतर्गत आता है? बिलावल, भैरव, भैरवी, पूर्वी, बताइएगा। मालकोंस, मालकोंस, मालकोंस का मैंने आपको बता रखा है बादी संवादि, उसी के नाम में छिपा हुआ है बादी संवादि, तो मासा थाट आपका भैरवी, ठीक है। मालकोंस का थाट क्या है, भैरवी। अगर भैरवी आपसे पूछा गया है तो रेगा धानी, रेगा धानी क्या होगा इसमें, कोमल, ठीक है। रेगा धानी आपके चारों के चारों सुर कोमल लगते हैं, बाकी आपके सभी शुद्ध लगते हैं, ठीक है। भैरव की बात करेंगे तो रेधा कोमल लगता है, बिलावल में आपका सभी शुद्ध लगता है, ठीक है। और पूर्वी की बात करेंगे तो रेधा कोमल, मतीप, इस प्रकार से आपका यहाँ पर रहता है। तो इसका मालकोंस का जो राइट आंसर रहेगा, भैरवी इसका थाट है, क्लियर। नेक्स्ट, नेक्स्ट सभी साथी आंसर दीजिएगा, सभी आंसर दीजिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका। कौन सा वाद्य गज के साथ बजाया जाता है? गज के साथ, ये क्वेश्चन मैंने आपसे हर बार बोलता हूं कि ये क्वेश्चन आपकी आजकल ट्रेंडिंग वाले क्वेश्चन है। तो आपका गज के साथ कमानी, मिजराब, जवा, उंगलियां, कौन सा वाद्य किस प्रकार से बजाया जाता है, ये क्वेश्चन आपका आजकल पूछा जा रहा है। तो गज के साथ बजाया जाने वाला वाद्य कौन सा है, तो आपको पता है इसराज, ठीक है। इसराज को आपका गज से बजाया जाता है। सरोद को किससे बजाते हैं, तो ये आपका अभी बीपीएस में पूछा गया था, जवा के साथ। सितार को, सितार को आपका मिजराब से बजाया जाता है, ठीक है। सुरभार भी आपका मिजराब, जवा इसी प्रकार से बजाया जाता है, क्लियर। नेक्स्ट, जब देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन, वर्ण और अलंकार, ये मैंने आपको बता रखा है वर्ण और अलंकार से क्वेश्चन बनेगा। जब एक ही वर्ण बार बार गाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, जब एक ही वर्ण बार बार गाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। आपको पता है वर्ण 4 प्रकार के होते हैं, वर्ण 4 प्रकार के होते हैं,
वर्ण का मतलब क्या होता है? स्वर को विधि पूर्वक गाना, ठीक है, स्वर को विधि पूर्वक गाना, विधि पूर्वक गाना, ठीक है। तो विधि पूर्वक गाना आपका वर्ण कहलाता है। अब देखिए यहां से आपका बार बार स्वरों का गाना स्थाई वर्ण कहलाता है, यानी कि आपका सा सा रे रे ग ग इस प्रकार से आपका सा सा रे रे ग ग म म प प इस प्रकार से आपका स्थाई वर्ण चलता है। संचारी वर्ण का क्या होता है? संचारी वर्ण से पहले हम आपका आरोह समझेंगे। देखिए आरोह में क्या होता है, सा रे ग यानी कि आरोह क्रम में गाना। अवरोह का मतलब क्या होता है? अवरोही क्रम में ग रे सा इस प्रकार से आपका। लेकिन जो संचारी वर्ण होता है इसका मतलब क्या होता है? तीनों का मिश्रण, आरोह अवरोह और स्थाई संचारी तीनों का जो मिश्रण होता है आपका संचारी वर्ण कहलाता है। आरोही अवरोही और स्थाई का मिश्रण संचारी वर्ण आपका कहलाता है। तो इस प्रकार से आपका जो गायन है वो गायन आपका यहाँ पर इस प्रकार से चलता है। क्लियर? सभी साथी बताना क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, ध्रुपद गायन शैली में कितनी वाणियां थी? ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट आपके लिए रहने वाला है। ध्रुपद गायन शैली में कितनी वाणियां थी? तो हर बार क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। देखिए ध्रुपद गायन शैली में वाणियों की संख्या कितनी थी? चार, ये तो आपको पता ही होगा। देखिए गोबरहार, नौहार, खंडार, गोबरहार वाणी, नौहार वाणी, खंडार वाणी और आपका एक होता कमेंट करके बताइएगा, गोबरहार वाणी आपका किसका था? ये आपका तानसेन जी का था। नौहार वाणी श्रीचंद का था, ठीक है। एक आपका डाकुर वाणी, ठीक है, डाकुर वाणी श्रीचंद का था। खंडार वाणी आपका शमुकन सिंह का था, प्रवर्तक थे, और डाकुर वाणी आपका ब्रजचंद, ठीक है, ब्रजचंद। इस प्रकार से आपका जो द्रौपदी की चार वाणियां थी, ये आपकी चार वाणियां थी, वही आपका क्वेश्चन यहां से हर बार पूछा जाता है, एक क्वेश्चन 100%, ठीक है। नेक्स्ट, समसामयिक समय में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में कौन सी स्वरलिपि पद्धति लोकप्रिय थी? बताइए, समसामयिक समय में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में कौन सी स्वरलिपि पद्धति लोकप्रिय थी? विष्णु नारायण भातखंडे स्वरलिपि पद्धति, विष्णु दिगंबर स्वरलिपि पद्धति, विष्णु डीबी पलुस्कर स्वरलिपि पद्धति, और ज्योति ज्योतिरिंद्रनाथ ठाकुर स्वरलिपि पद्धति। अब यहाँ पर आप बताइएगा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में कौन सी स्वरलिपि पद्धति लोकप्रिय थी? तो आपको पता है भातखंडे जी का। देखिए मैंने आपसे पिछली वाली क्लास में ये बताया था, बी डी पलुस्कर और डी बी पलुस्कर, ये दोनों ही आपका डी बी और बी डी, ये दोनों में आप कन्फ्यूजन होंगे, तो इन दोनों को अच्छे से ध्यान से आपको देखना है, ठीक है। आपका लोकप्रिय पद्धति कौन सी है? भातखंडे वाली है, और आपका विष्णु दिगंबर पद्धति इतना ज़्यादा लोकप्रिय नहीं है आपका, लेकिन वो भी हाँ है, लेकिन इनकी तुलना में कम है। क्लियर? नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से विषम को चुनिए, विषम को चुनिए, नाट्यशास्त्र, राग तत्व विबोध, सामवेद, संगीत विबोध, बताइएगा। इनमें से आपको विषम को चुनना है, विषम को आपको चुनना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका विषम। देखिए विषम चुनने के लिए आपको क्या करना है? आपको देखना है सामवेद, ये क्या है आपका? ये वेद है। तो वेदों के बारे में तो आपको पता ही है, वेदों की संख्या कितनी है? चार। सामवेद संगीत के लिए सबसे महत्वपूर्ण वेद है, संगीत का प्रमुख वेद है, प्रमुख वेद है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद आता है आपका ऋग्वेद, यजुर्वेद, आपका अथर्ववेद, तो ये आपके तीन वेद हैं, एक आपका सामवेद है, चार आपके महत्वपूर्ण वेद हैं, आपका ये तीनों के तीनों ग्रंथ हैं, ठीक है, नाट्य शास्त्र, राग तत्व विभूत और संगीत विभूत। क्लियर? नेक्स्ट, कौन सी ताल में एक बोल आधी मात्रा पर आता है? बताइए कौन सी ताल में एक बोल आधी मात्रा पर आता है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जपताल, झूमरा, शूलताल, रूपकताल,
बताइएगा, सभी कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या है। अगर मैं आपसे बात करूं झप तालाब का, तो इसमें 10 मात्रा होती हैं, इसका एक बोल एक मात्रा पर आता है। शूल तालाब का ये 10 मात्रा का होता है, इसका एक बोल एक मात्रा पर आता है। रूपक आपका 7 मात्रा का होता है, इसका भी एक बोल एक मात्रा पर आता है, ठीक है। लेकिन आपका जो झूमरा है, झूमरा 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 में आपका 14 मात्रा होती हैं, ठीक है। अब इसका थोड़ा सा बोलों के बारे में हम चर्चा करेंगे, तभी आपको थोड़ा समझ में आएंगी चीज़ें। तो देखिए क्या रहने वाला है आपका, धिन धा त्रिकेट, धिन धा त्रिकेट, धिन धा त्रिकेट, धिन धिन धागे त्रिकेट, ध्यान रखना, धिन धिन धागे त्रिकेट, धिन धिन धा त्रिकेट, धिन धिन धागे त्रिकेट, तिन ता त्रिकेट, तिन ता त्रिकेट, धिन धिन धागे त्रिकेट, ठीक है। धिन धिन धागे त्रिकेट, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर रहने वाला है 1 2 3 4 5 6, धागे त्रिकेट अलग अलग है 7, ठीक है, 8 9 10 11 12 13 14 मात्रा आप यहाँ पर रहने वाली हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे, यहाँ पर आपका धागे त्रिकेट, धागे त्रिकेट, धागे त्रिकेट, इस प्रकार से आपका आदि आदि मात्राओं का यूज होता है, तो आपका झूमरा यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है। क्लियर, ध्यान रखना, धिन धा त्रिकेट, धिन धिन धागे त्रिकेट, तिन ता त्रिकेट, धिन धिन धागे त्रिकेट। नेक्स्ट, कौन सा ताल केवल विलंबित लय में बजाया जाता है, कौन सा ताल केवल विलंबित लय में बजाया जाता है। लय मैंने आपको बताया था मध्य, द्रुत और विलंबित, तो विलंबित लय मतलब धीमी लय, तो धीमी लय में कौन सा रहेगा, दात्रा रहेगा, बिल्कुल नहीं, केरवा रहेगा, बिल्कुल नहीं, सुलताल रहेगा, बिल्कुल सुलताल, तो आपको पता ही है ध्रुपद के साथ द्रुत गति के बजाया जाता है। इसका राइट आंसर बनेगा झूमरा, तो झूमरा ही इसका राइट आंसर बनेगा, झूमरा को आपका विलंबित लय में बजाया जाएगा। क्यों बजाया जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर देखिए धागे त्रिकेट है, मतलब बोल आपके बड़े बड़े हैं, आदि आदि मात्रा में बोला जा रहा है, तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर रहने वाला है, ठीक। नेक्स्ट, राग गौड़ सारंग की पकड़ बताइएगा, राग गौड़ सारंग की पकड़ बताइएगा। अब देखिए मैंने आपको रागों के लिए एक चीज बता रखी है कि रागों को पहचानने के लिए सबसे पहले आपका उनका थाट पता होना चाहिए। तो जो आपका गौड़ सारंग है, गौड़ सारंग क्या, आपका जो गौड़ सारंग है इसका थाट आपको पता होना चाहिए, ठीक है, थाट, तो गौड़ सारंग आपका कल्याण थाट का है, ठीक है। हालांकि इसमें भी मतभेद है, अलग अलग मत हैं सभी के, लेकिन यहाँ से आपका कल्याण से हम बस इतना देख लेंगे, मत तीव्र का संकेत हमें दिखना चाहिए। तो देखिए मत तीव्र का संकेत दिखेगा तो आपका रे कोमल नहीं रहेगा, ग कोमल नहीं रहेगा, ठीक है। अब आपका यहाँ पर देखिए सारे निशा गरे मागा, तो आपका देखिए यहाँ से क्या रहने वाला है, आपका ऑप्शन नंबर सी, ये आपका ऑप्शन नंबर दो तो ऐसे ही कट गए, आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ से राइट आंसर आपका निकल के आएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना सभी, क्लियर है सभी साथी, ध्यान रखना। नेक्स्ट, और अगर इसका बात करें बादी संवादी की, इसमें बादी संवादी क्या रहने वाला है, आपका क्वेश्चन बन सकता है आगे चल के। देखिए इसमें बादी संवादी आपका गंधारो दैवत रहेगा। जाति की बात करेंगे तो वक्र संपूर्ण इसकी जाति है, ठीक है। अगर बात करें आपका समय तो मध्यकाल, मध्यकाल इसका समय रहेगा, ठीक। नेक्स्ट, सभी बताइएगा नेक्स्ट आपको क्या रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, समान स्वरों वाले रागों का जोड़ा पहचानिए, समान स्वर वाले, तो समान स्वर वाले रागों का जोड़ा आपको पहचानना है। आपका समान स्वर वाले रागों का जोड़ा कौन सा रहने वाला है, सभी प्यारे साथी बताइएगा। बसंत चंद्रकोंश, मधुवंती शुद्ध सारंग, सोनी हिंडोल, भूपाली देशकाल,
देखिए आपको पता ही है, समान स्वरों वाले, समान स्वरों का मतलब समप्राकृत राग। तो आपको यहाँ पर बताइए भोपाली और देशकान, ठीक है, ये आपका समान स्वर वाला जुड़ा रहने वाला है भोपाली और देशकान। तानसेन के गुरु, महत्वपूर्ण आपका, तानसेन के गुरु कौन थे? भरत, सारंगदेव, स्वामी हरदास, अमीर खुसरो। तो तानसेन जी से मैंने आपसे बोला है, अमीर खुसरो, तानसेन जी से क्वेश्चन आपके पूछे ही पूछे जाते हैं। तो सभी प्यारे साथी बताइएगा, तानसेन और अमीर खुसरो, तो तानसेन जी के गुरु कौन थे? स्वामी हरदास। देखिए ये इनके गुरु थे, पर इनके धर्म गुरु भी आपसे बनता है क्वेश्चन, धर्म गुरु। तो धर्म गुरु कौन थे? तो इनके धर्म गुरु थे मोहम्मद गौस, ठीक है, मोहम्मद गौस, ये भी आपको बताना चाहिए। तानसेन जी का मकबरा, तानसेन जी का मकबरा कहें या पर आप समाधि भी कह सकते हैं, समाधि। तो इनकी समाधि कहां पर है आपका? ग्वालियर, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका यहां पर रहने वाला है। नेक्स्ट, राग गायन वादन में न्यास के स्वर से क्या अभिप्राय है? अब न्यास का स्वर का क्या मतलब होता है? आपको पता है जो रागों के 10 लक्षण होते हैं या जाति के जो 10 लक्षण थे उसमें से आपकी चीजें पूछी जाती हैं। तो जाति के 10 लक्षण, जाति के लक्षण या पर आपके राग के लक्षण, राग के लक्षण अगर बात करें तो कितनी है? 10, ठीक है। क्या क्या है? ग्रह, अंश, न्यास, अपन्यास, अल्पत्व, बहुत्व, पौरव, साढ़वत्, मंत्र, तार। इस प्रकार से आपका 10 रहने वाला है। उसी में से आपका जो न्यास है, यहाँ पर न्यास आपको दिखाई दे रहा है, न्यास का मतलब होता है किसी स्वर पर रुकना। क्या होता है? किसी स्वर पर रुकना या किसी स्वर पर ठहरना। अब जाति ज्ञान में न्यास का क्या मतलब था? जाति ज्ञान में न्यास का मतलब था आपका किसी भी जाति ज्ञान की समाप्ति। यहाँ पर ये जाति ज्ञान के संदर्भ में था, राग लक्षण के संदर्भ में क्या होता है? किसी भी स्वर पर रुकना। क्लियर? देखिए 10 लक्षण है। अगर सारंगदेव जी के अनुसार बात करें, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, सारंगदेव जी ने आपके जो तो लक्षण माने हैं 13 माने हैं, ठीक है। संन्यास विन्यास अंतर मार्ग उन्होंने 3 अलग से दे दिए थे। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा रहने वाला है, किस विशेषता के सहारे हम विभिन्न संगीतिक ध्वनियों को अलग करते हैं? तो बताइएगा, संगीतिक ध्वनियों को हम अलग किस विशेषता के कारण करते हैं? आपको पता ही होगा, अलग वाद्य, इधर अलग वाद्य, दोनों ही वाद्य बज रहे हैं, अलग अलग वाद्य, तो हम ध्वनियों को अलग अलग कैसे कर पाते हैं? क्या कारण है, क्या ऐसा कारण रहा जिससे हम अलग अलग पहचान पाते हैं? इधर से पशु की आवाज है या मनुष्य की आवाज है, वाद्य की आवाज है या फिर किसी जानवर की आवाज है? तो ये हम कर पाते हैं ध्वनि के गुण के कारण। क्या? ध्वनि के गुण, ठीक है। सभी सभी प्यारे साथी बताएंगे, ठीक है, ध्वनि के गुण के कारण। ध्वनि के गुण आपको ऐसे टिम्बर भी कहते हैं, ठीक है, टिम्बर भी बोला जाता है। जो ध्वनि का गुण होता है इसे आपका जाति कहते हैं, ये आपका सहायक सहायक नादों पर निर्भर करता है। ये चीज आप ध्यान रखना, सहायक नादों पर निर्भर करता है। नाद की आपकी 3 जातियां होती हैं, तारता, तीव्रता और गुण। तारता का मतलब होता है ऊंचा नीचापन, तीव्रता का मतलब होता है छोटा बड़ापन, और आपका नाद की जाति या गुण का मतलब होता है आपका अलग अलग वाद्यों को पहचानना या अलग अलग आवाज का पहचान करना, अलग अलग आवाज की, वो आपका ध्वनि के गुणों के कारण कर पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, धमार ताल की सही विभाग कौन सी है? ये आपका क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। धमार ताल, हर बार धमार ताल से क्वेश्चन आपका बनता है। देखिए धमार ताल के बारे में बात करें तो धमार ताल आपका, पहले तो आप बताइएगा इसमें मात्रा कितनी होती है? धमार ताल में मात्रा होती है आपकी 14। विभागों की बात करें तो विभाग होते हैं आपके 4। देखिए 5, 2, 3 और 4, ये आपके विभागों में मात्रा की संख्या होती है। 3, 4, 7,
सात और सात 14। अभी किस प्रकार की ताल है, तो ये क्वेश्चन भी आपका बनेगा मिश्रपदी ताल है। कैसी ताल है आपका, तो यहाँ पर ये मिश्रपदी ताल निकल के आएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ये 5, 2, 3, 4, यानी कि सभी विभागों में मात्राओं की संख्या अलग अलग है, मिश्रपदी ताल है। अगर बात करें क धिट धिट धा आ गिट तिट ता आ, ये आपका बोल रहते हैं धमार ताल के। ठीक है, आपके यहाँ पर धमार ताल के बोल रहते हैं, ध्यान रखना। धमार ताल आपका धमार गायन शैली के साथ प्रयोग होता है। धमार गायन शैली है, इसे आपका हुरी हुरी भी बोलते हैं। इसमें आपका राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन होता है, लीलाओं का वर्णन। तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन होता है आपका धमार गायन शैली में। धमार ताल के साथ इसका यूज होता है, इसे होरी भी कहते हैं। आपके लिए महत्वपूर्ण बनेगा। क्लियर। नेक्स्ट, किस काफी थाट पश्चिमी मोड़ के समान है। अब देखिए पश्चिमी मोड़, तो आपका पश्चिमी मोड़ पाश्चात्य संगीत से क्वेश्चन आपका इसी प्रकार का अच्छा लेवल का क्वेश्चन बनता है हर बार। तो आपको बताना है काफी थाट पश्चिमी मोड़ के समान है। एरुलियन, लिडियन, डोरियन, मैक्सोलिडियन। तो आपका इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है, डोरियन। ठीक है, जो आपका काफी थाट है यह डोरियन के समान है। तो इस प्रकार के आपको कुछ क्वेश्चन बीच बीच में मिलेंगे, तो वो आपको चौंकाएंगे। बट आपको एक दो क्वेश्चन को इग्नोर भी करना होता है। एक दो क्वेश्चन के लिए हम पूरा का पूरा ग्रंथ पढ़ने के लिए नहीं बैठेंगे, नहीं तो पता लगा एक क्वेश्चन के चक्कर में उधर से आपका 74 क्वेश्चन छूट गए। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने की मिलेंगे, ध्यान रखना चीजों को। ठीक है, नेक्स्ट, राग देशकार का गायन वादन समय कब है। राग देशकार का गायन समय आपको बताना है, राग देशकार को कब गाया जाता है। रात्रि का प्रथम प्रहर, दिन का द्वितीय प्रहर, दिन का प्रथम प्रहर, रात्रि का चतुर्थ प्रहर। तो सभी प्यारे साथी बताइएगा राग देशकार का समय क्या रहने वाला है, महत्वपूर्ण है आपका। क्या रहने वाला है आपका, क्या रहने वाला है आपका, दिन का प्रथम पर है। ठीक है, अभी थोड़ा सा बात करें राग देशकार के बारे में, तो आपका थाट बिलावल, थाट क्या है, थाट बिलावल है। वादी संवादी की बात करेंगे, धागा इसका वादी संवादी है। ठीक है, ओड़ब ओड़ब इसकी जाति है, ओड़ब ओड़ब। देखिए जितनी अगर राग आपके आते हैं, उन रागों के बारे में हम हर बार पढ़ेंगे, हर बार सुनेंगे, हर बार देखेंगे, तो वो ऑटोमेटिक आपको क्लासेस में याद हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको ओड़ब ओड़ब जाती है। ठीक है, अगर बात करें आपका मनी, इसमें वर्जित होता है। ठीक है, समय की बात करते हैं, अगर समय की बात करें आपका, दिन का प्रथम प्रहर आपका रहने वाला है, दिन का प्रथम प्रहर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राग देशकार का दिन का प्रथम प्रहर रहता है। ये आपका ये एमआरएस का पूछा हुआ क्वेश्चन। ठीक है, एमआरएस का पेपर चल रहा है, उसमें ये आपका दिन का प्रथम प्रहर माना गया है। ठीक है, कहीं कहीं आपको दिन का द्वितीय प्रहर भी मिलता है, बट आपको जो आयोग ने आंसर माना है दिन का प्रथम प्रहर, ये हमें आगे के लिए भी मान के चलना है। क्लियर। नेक्स्ट बताइएगा, पहली चार श्रुतियों का कौन सा क्रम सही है। देखिए श्रुतियों से क्वेश्चन आपका हर बार पूछा जाता है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन ही आपका बनता है, तो श्रुतियों के बारे में तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। पहली चार श्रुतियों का कौन सा सही क्रम है, तीव्रा छंदोवती मंदा कुमुदती, तीव्रा कुमुदती मंदा छंदोवती, तीव्रा मंदा छंदोवती कुमुदती, तीव्रा मंदा कुमुदती छंदोवती। देखिए आपको पता ही है तीव्रा मंदा छंदोवती दयावती रजनी रक्त करोधि क्रोधा। ठीक है, तीव्रा कुमुदती मंदा छंदोवती दयावती रजनी रक्त का रोधी क्रोधा वर्ष का प्रणानी प्रीति मार्जनी क्षति संदीप ने अलापनी मदंती रोहिणी लंबा अग्रा छोबड़ी। इस प्रकार से आपका श्रुतियों की संख्या कितनी है, तो आपकी श्रुतियों की संख्या 22 है। ठीक है, 22 श्रुति है, लेकिन कोहल जी हुए कौन आपका,
कोहल जी हुए, इन्होंने आपका 66 श्रुति माना है। कितना माना है? 66 श्रुति माना है। उन्होंने बोला है कि आपका प्रत्येक जो सप्तक होता है, प्रत्येक सप्तक में आपका 22 श्रुति होता है। तो इस प्रकार से आपका 3 सप्तक है, 3 सप्तक से आपका 22 बराबर में 66, तो उन्होंने इस प्रकार से माना है। और जो मतंग जी के अनुसार अगर अपन बात करेंगे तो मतंग जी ने आपका 1 श्रुति माना है। उन्होंने बोला है कि श्रुति सिर्फ एक है, एक श्रुति से आपका 22 श्रुति निकला है। एक श्रुति से 22 श्रुति यहाँ पर निकला है, एक श्रुति से 22 श्रुति आपका बना है। तो इस प्रकार से आपका श्रुतियों की संख्या यहाँ पर रहती है। तो सभी प्यारे साथी बताइएगा, इस प्रकार से आपका आज का हमारा पार्ट सेकंड रहने वाला है, EMRS का कंप्लीट। ठीक है, 25 क्वेश्चन हमने आपका यहाँ पर देख लिया है। तो हम आपका नेक्स्ट हम आपका आगे का पार्ट हम आगे चर्चा करेंगे। तो सभी प्यारे साथी इसी प्रकार से सेशन को अटेंड करते रहिएगा, और आपको सेशन अच्छे लग रहे हो तो इसे शेयर जरूर करें, और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप हमारे साथ जुड़ करके तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है, बस एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा और आपको वहाँ से अपना बैच ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर बता भी देता हूँ किस प्रकार से आप हमारे साथ जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। थोड़ा सा हम चीज़ों को लेकर चलें, समझें। देखिए, इस प्रकार से यहाँ पर आपको हमारा शिक्षा प्लान का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। इस प्रकार से आपको इंटरफेस दिखाई देगा। तो आप किसी भी बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, बीओ डिटेल पर आप जाएंगे तो यहाँ पर इस प्रकार से आप बीओ डिटेल पर जाएंगे तो अंदर आपको खुल जाएगा। और अभी ये आपका जो हमारा वेबसाइट है टेस्टिंग फेज पर चल रहा है, तो आप अच्छे से एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा और बेहतर तैयारी के साथ हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कंप्लीट हम आपको तैयारी करवाते रहेंगे। तो आज के सेशन में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो सेशन को शेयर करना अपने सभी साथियों के साथ, और वीडियो को लाइक करना। चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।